नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा। आप सभी का सहयोग टीवी 20 न्यूज को मिलता रहा है। टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ की इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज 11 सितंबर 2023 को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में कितने अपराधियों को किस किस थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हर रोज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हर थाने क्षेत्र से की जाती है। इसी दरमियान आज पुलिस ने भारी संख्या में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मेहनगर पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे और कारतूस के साथ, जिसका नाम है कलामुद्दीन उर्फ गाना पुत्र शमसुद्दीन निवासी फतेहपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वहीं जहानागंज पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 अभियुक्त परमेश्वर राम पुत्र स्वर्गीय फूलचंद, ब्रजेश यादव पुत्र शिववचन और पूनम यादव पुत्री शिववचन को गिरफ्तार किया है। बात कर लेते हैं थाना सिधारी पुलिस की, तो थाना सिधारी पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में चोरी गए सामान के साथ अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र ब्रजभूषण सिंह निवासी समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बर्दा पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त तिलक राज वनवासी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद की पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में एक बड़े मामले का खुलासा किया है। बता दें कि ये कामयाबी मुबारकपुर और कोतवाली पुलिस को मिली है कि जीवन साथी मैट्रोमोनी ऐप व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फर्जी उपनिरीक्षक बनकर शादी के झांसा देकर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की वर्दी पहनकर जीवनसाथी.com के माध्यम से लोगों को ठगने वाला अंतरजनपदीय गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। यह व्यक्ति 2020 से सक्रिय है। वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने आप को SI बताते हैं, पुलिस के मेडल लगाते हैं, पुलिस वालों और नेताओं के साथ फोटो प्रोफाइल पर डालते हैं, नियमित रूप से वर्दी पहनकर विभिन्न दफ्तरों में जाते हैं व समारोह में शामिल होते हैं, शादी की प्रपोजल आते हैं, उनसे नज़दीकी बढ़ता है और फिर माँ के ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगते हैं। अपने शिकारों को या इंस्टाग्राम और जीवनसाथी.com से लॉगआउट कर देते हैं और संपर्क काट देते हैं। यह बलिया, मिर्जापुर, लखनऊ और इलाहाबाद में सक्रिय हैं। इससे पहले इलाहाबाद और लखनऊ में मुकदमे लिखे जा चुके हैं। आजमगढ़ में आर्म्स एक्ट की तरह पंजीकृत किया गया है। मामले में शैलेंद्रलाल SPCT ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्या है पूरा प्रकरण? ये 4 लोग ये पकड़े गए हैं। ये एक गैंग है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जीवनसाथी.com के माध्यम से जो संभावित गर्ल्स होते हैं जो वर्दी धारकों को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने के इच्छुक होते हैं, उनको ये लोग टारगेट्स बनाते हैं। यह आदमी इंस्टाग्राम पर अलग अलग पुलिस के समारोह में सम्मिलित होकर, अलग अलग जगह ड्यूटी में खड़े होकर, अलग अलग महत्वपूर्ण पर्सन्स के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचाता था और इंस्टाग्राम पर देता था, जो कि सबको ये प्रतीत हो कि ये आदमी पुलिस का कर्मचारी है, ये सब इंस्पेक्टर पुलिस में है। इसके बाद मैरिज प्रपोजल जब आता था तो ये उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता था और उसके बाद ये कहता था कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक हो गया है, कृपया मेरे को पैसे उपलब्ध करा दीजिए, मेरे पास 10 लाख रुपए में से जितना भी 1.5-2 लाख रुपए है वो शॉर्ट पड़ रहा है। ये पैसे इनसे ले लेता था। इसके बाद ये दोस्ती के लिए फिर कहता था कि अब मैं मिल गया हूँ तो कृपया इसमें जीवनसाथी.com से आप बाहर आ जाइए, उनको वहाँ से लॉग आउट करा देता था, इंस्टाग्राम से उनको लॉग आउट करा देता था और फिर अपना नंबर बंद करके ये आदमी लापता हो जाता था। इस तरह ये ठगी लोगों के साथ करता आया है। ये 2019 से ये सक्रिय था और इसका कार्यक्षेत्र मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, इलाहाबाद इसका कार्यक्षेत्र था। ये पूर्व में भी इलाहाबाद से और लखनऊ से पहले जेल जा चुका है इसी तरह की धोखाधड़ी करने में। आजमगढ़ से इसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। फर्जी वर्दी पहनकर गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट गलत थी उसका मुकदमा धोखाधड़ी करने का कायम किया गया। इससे फर्जी INT कार्ड इससे बरामद हुए हैं पुलिस के, इससे आधार कार्ड फर्जी बरामद हुए हैं, इससे PNO नंबर जो गलत नेम प्लेट पर लगाया वो बरामद हुआ है, इससे पूरी वर्दी बरामद हुई है जिसको ये पहनकर गाड़ी में बैठा हुआ था।
इससे दो गाड़ियां बरामद हुई हैं जो ये चार लोग लेकर आए थे, दो एक गाड़ी में थे और दूसरी गाड़ी में थे। इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, इनकी HS खोली जाएगी, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण किया जाएगा और इनका गैंग का पंजीकरण भी किया जाएगा, जो कि ये लोग हमेशा हमारी नज़र में रहें और आगे अपराध करने की जरूरत ना कर पाएं। मुख्य आरोपी का नाम क्या है और ये जो अन्य सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका है इसके साथ? धीरज सिंह इसका नाम है जो मुख्य आरोपी है और बाकी लोग इसका सहयोग करते थे। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ ये घूम रहा होता था, पीछे से वो कॉल करके कहते रहते थे कि सर कॉल आ रहा है आपका, सर कौन सी धारा लगा दूं, सर आपकी VIP ड्यूटी लगी, इस तरह के बैकग्राउंड में इस तरह के ये लोग काम करते रहते थे, जो कि जो इनका शिकार है उसको ये आभास ना होने पाए कि ये फर्जी पुलिस वाला है। अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है अपना? ये अभी जब ये जेल जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास और लोगों की संख्या बढ़ जाए, जब इनको पता लगेगा इस तरह का आदमी पकड़ा गया है तो हमारे पास और भी एप्लीकेशंस बढ़ने की संभावना है। अभी तक इनके ऊपर 6 मुकदमे इस आदमी पर कायम है। आजमगढ़ बलिया लखनऊ मिलाके? जी हाँ, इलाहाबाद लखनऊ और आजमगढ़ मिला के 6 मुकदमे। ये इस तरह के वर्दी और वो पहनता था कि लोगों को शक नहीं होने पाता था, तो ये डेली अपने कार्यस्थल पर डेली जाता था, डेली लोगों से मिलता था, डेली ऑफिस में जाता था, तो ऐसा प्रतीत लोगों को नहीं होता था। बाद में जब शक हुआ तो इसके बाद फिर जब इसने ये जब आजमगढ़ आया, हम लोगों को पता लगा, तो इसकी फाइनली गिरफ्तारी करेगी, इसकी जानकारी पूरी करेगी, और जब हमको सूचना लगी कि ये आने वाला है बलिया से आजमगढ़ के तरफ आएगा, तो हम लोगों ने अपनी नाकाबंदी करी, टीम लगाई और गाड़ी में से ड्राइवर के साथ बावर्दी दुरुस्त इसको गिरफ्तार किया है। ये मुबारकपुर थाने से इसकी गिरफ्तारी करी गई। मॉडस ऑपरेंडी इसकी ये थी कि ये अपने आप को पुलिस वाला बताकर JeevanSathi.com पर लड़कियों से दोस्ती वहाँ करता था और इसके बाद उनसे पैसे की ठगी करता था। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के वक़ई खरुल्लाह गांव के मूल निवासी राकेश यादव ने भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर पर मकान कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने परिवार DM और SP को ज्ञापन सौंप न्यायिक गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने बताया कि उसने अपना मकान भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर को 10 साल से एग्रीमेंट कर पर दिया था, जिसका समय समाप्त हो चुका है। बावजूद भाजपा नेता जबरन उसकी ज़मीन पर कब्जे जमाए बैठा है, एग्रीमेंट का रिन्यूअल भी नहीं हुआ। बावजूद बिना अधिकार लाइसेंस RO प्लांट चलाया जा रहा है, जिसका पानी भी मेरे ही खेत में बह रहा है। मना करने पर भाजपा नेता द्वारा भद्दी गाली और जान माल की धमकी दी जाती है। पीड़ित परिवार ने DM और SP से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और अपने परिवार की सुरक्षा और जमीन मकान पर भाजपा नेता द्वारा जबरन कब्जा को हटाने की मांग की गई है। संजू यादव, ग्राम चतुर्ला पोस्ट रानी सा। हमने अपना मकान पंकज मोहन सोनकर को किराए पे दिए थे। ये हरबंसपुर के बताते हैं लालगंज के सांसद हैं, हाँ, जबकि है नहीं। और ये अब हमको हड़काते धमकाते हैं और हमारा मकान कब्जा करके बैठे हैं। अजाग यहाँ 10 साल हो गया इनको, किराया ख़त्म हो गया मतलब, लेकिन 10 साल भी हो गया पूरा, लेकिन ये जा भी नहीं रहे, छोड़ के हमको हड़का धमका रहे, हमारी जान मारने की धमकी भी दी है। हम बहुत एप्लीकेशन दे चुके लेकिन हमारी अभी कोई मुकदमा कहीं पर लिखा नहीं गया है। आज हम SP साहब के यहाँ आए हैं, अभी DM साहब के यहाँ गए थे, वो कल के लिए गए हैं, जाके हम मौके पर मुआयना करेंगे। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारा घर खाली करके चला जाए और हमको मारा, हमारे बच्चे अंधे को मारा है और हमारे पीछे पानी भी मारा। हम वीडियो भी लिए हैं, परसों प्रशासन गई थी उनके सामने भी हमको करा है कि हम गुंडा भी हैं, हम बहुत बदमाश भी हैं, हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हमारी जान को बहुत खतरा है। हम लोग 3 ही लोग हैं और एक हमारी बूढ़ी सास है, उनको मार के बुरी हाल कर दिया घर पे, जाके प्रशासन चाहे तो जाँच भी कर ले हमारी। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी रहुआर पांडे का पुरा के समीप सोमवार को दिन में 2:30 बजे बाइक से जा रहे दंपत्ति पर भूमि विवाद को लेकर हमला कर दिया गया। पति जहां मामूली रूप से जख्मी होकर मौके से भाग आया, वहीं पत्नी को हमलावरों ने चाकू से गंभीर हालत में जख्मी कर दिया।
जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का इमरजेंसी वार्ड के बाहर रो रोकर बुरा हाल था। अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। बलरामपुर पुलिस चौकी के सिपाही भी बाद में पहुंचे। मृतका का नाम 42 वर्षीय शिलाप्रत पत्नी अभिमन्यु मौर्य है। अभिमन्यु मौर्य के अनुसार वह लाठघाट बाजार से बाइक से गाँव की तरफ आज दिन में जा रहा था। जैसे ही दोहरीघाट मार्ग से वहाँ पर स्थित महाविद्यालय से आगे अपने गाँव की तरफ मुड़कर बढ़ा, तभी अतुल पांडे विवेक पांडे ने उसके ऊपर हमला कर दिया। घटना में घायल पत्नी की मौत हो गई। वही घटना की सूचना के बाद पहुंचे मृतका के पुत्र ने बताया कि विपक्षी काफ़ी दबंग है, पुलिस के बल पर कई बार उत्पीड़न भी कर चुके हैं। पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही थी, अब हत्या भी कर दी गई है। सुनते हैं मामले में मृतका के पति और पुत्र ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है? अभिमन्यु मौर्य। अच्छा, क्या घटना हुआ? घटना हुई है सर, मार्केट से हम लोग लाठघाट मार्केट से जा रहे थे। हमारे बीवी पत्नी शीला देवी, हमारा नाम अभिमन्यु मौर्य, और बीच रास्ते में जो है मेन रोड से दोहरीघाट मार्ग से जो हम उतरे हैं अपने रोड की तरफ पंडित नगीना स्मारक महाविद्यालय की तरफ, उसी जगह हमको मारे हैं। पहले जो है दाव से एक दाव, उसके बाद हमारा उछरा लगा, हम खंता में उलट गए हैं, और उसके बाद हमारी पत्नी को बेहाल इतना चाकू मार दिया इसका, वो तुरंत एक्सपायर हो गई है। जो है कौन थे वो लोग? वो लोग हैं अतुल पांडे और विवेक पांडे। अतुल पांडे के पिताजी का नाम है राम विजय पांडे, और विवेक पांडे का नाम है नरेंद्र पांडे, उनके पिताजी का। नहीं सर, बस ये क्या चाहते हैं आप लोग? आप क्या चाह जाइए भैया जो है, अब वो जब चल गए नहीं तो कहा चाहिए कार्रवाई चाहते हैं उसके ऊपर न? बहुत बड़ी कार्रवाई कर जाए, करे खिलाफ बताओ जा मुझे कैसे जिए जाइए अब, हे भगवान अब तो जान निकल कर चल गई। नाम है गौरव कुमार मौर्य। क्या घटना हुई है? यही घटना है कि हमारे घर पर जो दरोगा था पुलिस को लेकर एकदम छापा डरवा दिए थे, और हम लोग को खोज रहे थे मारने के लिए। और विपक्षी पार्टी को कुछ नहीं बोले। कौन है विपक्षी? और राम विजय पांडे, अतुल पांडे उनके लड़के हैं, वही मारे हैं चाकू से हमारे माता जी को। हाँ, उनकी मृत्यु हो गई। कौन है वो लोग? गाँव के ही निवासी है, पंडित हैं, हम लोग मौर्य हैं। थाना नब कहीं थाना रोना पर हम काफी दिन से शिकायत किए थे, कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ, पैसे सब फेंक रहे थे। अभी कितना घटना हुआ, पुलिस सूचना मिली है? हाँ, पुलिस सूचना मिली है, पुलिस महुला चौकी पे। हाँ, छापा डरवाए थे लोग। पूरा और हम लोग को माता जी को मारने के लिए धमकी दे रहे थे, हम लोग को एकदम मौला दर। आपको कैसे चोट लगा? हमको नहीं लगा है, हम उठा तो लाए, हमको सूचना मिली तो हम आए हैं। ठीक है, तो हमारी माता जी। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से है, जहां डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को 151 में चलान कर आगे कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के मदार डाड़ गांव का है, जहां गांव के ही एक व्यक्ति के घर शाम के समय डीजे बज रहा था। आरोप है कि जब पीड़ित महेंद्र ने उसे मना किया तो गाँव के ही कुछ लोगों ने अचानक रात्रि के 10 बजे के करीब पीड़ित के ऊपर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से पीड़ित को काफ़ी चोटें आई है। आरोप ये भी है कि दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया, और साथ ही दबंगों ने पीड़ित की पत्नी व पुत्री को भी बुरी तरीके से पीटा है, जिसकी वजह से सर फट गया है। गांव वालों के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ, फिर सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। आरोप है कि पीड़ित के पुत्र को ही पुलिस उठा लाई और चालान कर दिया। स्थानीय थाना से न्याय न मिलने पर आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच कर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनिए। जी, हमारा नाम महेंद्र प्रसाद है, हमारा ग्राम मदार डाड़े है, और तहसील निजामाबाद, थाना निजामाबाद है, पोस्ट बड़ा गांव है। हम जी हम 8 तारीख को 7 बजे हमारे गांव मतलब पटीदार के लोग डीजे बजा रहे थे, तो हमारे बच्ची और एक बच्ची थी और लड़का पढ़ रहे थे, तो हमारा लड़का गया, बोला कि भाई साहब थोड़ा स्लो हिट में बजा लो, आपने बहुत फुल करके बजा रहे हैं। तो बस उन्होंने इनको 2-3 थप्पड़ मार दिया हमारे लड़के को, जो हमारे लड़के का नाम नीतीश है। यहाँ पर देख लीजिए पूरी पट्टी लगी हुई है, अभी तक डॉक्टरी मुआयना नहीं हो पाया है। तो हमने जो मार दिया तो हमारा लड़का चला आया घर पे। फिर इसके बाद उसी रात में 8-10 बजे ये लोग घुस करके मुन्नी के लड़के और मुन्नी और झीनक के लड़के और झीनक मिलकर हमारे घर पे घुस के हमारे लड़के को मारे हैं बुरी तरह से। ये पूरा सर फट गया है। हमारी औरत हमारी और लड़की जब कही कि छुड़ाने लगी तो हमारे इनके साथ भी हाथापाई किया, लोगों ने धक्का मार के गिरा दिया हमारे लड़की को औरत को। जी अभी ये लोग कई बार ऐसा कर चुके हैं,
हमारे बाप दादा को ये मारते चले आए हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, चमार जात के दलित हैं। हम दिल्ली में अपने बच्चों का पेट पालन के लिए हम दिल्ली रहते हैं, और जब हम आते हैं तब ये लोग मारते हैं हमें, और ये हमारे बाप दादा से मारते चले आए हैं। इसकी शिकायत हम इसी पीछे भी कई बार जो है कि थाना में किए थे। अभी 8 तारीख को जब मारे हैं लोग 10 बजे, तो हमने 100 नंबर कॉल किया, 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई और ले गई हमें थाने में। थाने में ले गई तो वहाँ से फिर बोली कि आप जाइए कल सवेरे आना। सवेरे जब हम 9 तारीख को गए तो उठा के हमारे लड़कों को बंद कर दिए, बंद करके 151 में चलान कर दिया। तहसील से हमें जमानत पे हम लड़के आए हैं। दूसरे दिन जब 10 तारीख हुई, संडे हो गया, हमारे लड़के का अभी तक डॉक्टरी मुआयना नहीं हो पाया है। इसकी हालत देख लीजिए, खोल करके कितना फटा हुआ है सर, कितनी गहराई है, बताइए। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से करें, ऐसे लोग हमेशा हमें मारते रहेंगे। हमारे पास एक दो ही रास्ता है सर, केवल दो रास्ता हमारे पास है, या तो हम आत्महत्या कर लें या तो जिला छोड़कर चल जाएं। हम ये शिकायत लेकर के पुलिस अधीक्षक के साहब के पास आए थे, इन्होंने हमें बोला है कि जाइए कोई बात नहीं, सुनवाई होगी। हमें आश्वासन देकर दिए हैं, हम अब क्या करें, हमारे लिए न्याय हमें दिला दीजिए। रविवार को आजमगढ़ में अग्रवाल युवा समाज का शपथ ग्रहण समारोह श्री अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली आजमगढ़ में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री पुष्पदंत जैन जी उपाध्याय, व्यापारी जल कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि श्री सुदर्शन दास अग्रवाल व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अतुल कुमार अग्रवाल मुन्ना बाबू स्वागत अध्यक्ष के रूप में श्री विवेक अग्रवाल जी उपस्थित थे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों द्वारा अग्रवाल समाज की कुलदेवी आदि महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात संस्था के चुने हुए नए पदाधिकारी का शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से अर्पित अग्रवाल को अध्यक्ष, हर्षित अग्रवाल को महामंत्री, अभिषेक अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में आयुष अग्रवाल, चंदन अग्रवाल, आशीष सिंगल, हिमांशु अग्रवाल तथा मंत्री के रूप में अंबर अग्रवाल, नमन गर्ग को शपथ दिलाई गई। साथ ही शपथ ग्रहण के मौके पर कुछ नए युवाओं ने अग्रवाल युवा समाज की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्य ग्रहण करने वालों में चंदन अग्रवाल, दिवस अग्रवाल, उत्कर्ष अग्रवाल, अतुल्यम अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, अंशुमान अग्रवाल, दिवाकर अग्रवाल, राघव अग्रवाल, शशांक अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, अंबर अग्रवाल, कुंजेश अग्रवाल, प्रभात अग्रवाल, नमन अग्रवाल, तांशु अग्रवाल, प्रत्यूष अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, विजीत गोयल, मोहित सिंगल, नितेश अग्रवाल ने नए सदस्यों के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में स्वागत अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं श्री विवेक अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मैं सभी नए पदाधिकारी एवं सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं, साथ ही आश्वासन देता हूं कि जब भी संस्था व समाज हित में मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरा सहयोग आप सभी को मिलता रहेगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुदर्शन दास अग्रवाल ने सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ दी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में गोरखपुर से चलकर आए श्री पदम अग्रवाल ने अग्रवाल युवा समाज के संगठित होने एवं समाज की एकता पर बल देते हुए सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पुष्पदंत जैन जी ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ के युवा समाज द्वारा किए गए सामाजिक कार्य की चर्चा हमने बहुत सुना था। युवा समाज आजमगढ़ की चर्चा आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक होती है। युवा समाज ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आजमगढ़ की युवा व अग्रवाल समाज की एकजुटता आज जो देखने को मिली है वह प्रशंसनीय है। श्री जैन ने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि जो भी नए पदाधिकारी व सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है उनके चेहरे पर समाज सेवा का भाव झलक रहा है। यह निश्चित है कि यहां के युवा अग्रवाल समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। श्री जैन ने कहा कि अग्रवाल समाज को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं सदैव आपके साथ हूँ। यदि मैं समाज के किसी काम आता हूँ तो यह मेरा सौभाग्य होगा। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अतुल कुमार अग्रवाल मुन्ना बाबू ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को बधाई दी तथा गोरखपुर से चलकर आए मुख्य अतिथि श्री पुष्पदंत जैन जी एवं पदम अग्रवाल जी का विशेष आभार प्रकट करते हुए उपस्थित सभी अग्रवाल बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया व कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन अग्रवाल युवा समाज के संरक्षक श्री सुनील कुमार अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्न लोगों को उपस्थित थे: श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, लड्डू जी, पंकज अग्रवाल, संजय अग्रवाल, पवन अग्रवाल, गगन अग्रवाल, अमृत अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शशिभूषण अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल,
सुनील अग्रवाल, गप्पू बाबू, डेविड अग्रवाल, गिरिराज सिंघल, रविभूषण गर्ग, अंकित अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, निग्गू, लता अग्रवाल, छाया अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, अलका अग्रवाल, मलीना अग्रवाल, लतिका अग्रवाल, आराधना अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, रेणु अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। युवा अग्रवाल समाज आजमगढ़ द्वारा शपथ ग्रहण समारोह अभी हुआ है। नई टीम गठित हुई है। आज युवाओं को हमारा देश जो है युवाओं को कंधे पर रख करके उनको आगे बढ़ाने में हमारे समाज की बहुत भूमिका रहती है। निश्चित रूप से युवा समाज आगे आएगा तो समाज आगे बढ़ेगा। आज अग्रवाल समाज जो इन युवाओं पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से आज मैं युवाओं से ही आग्रह करूंगा और उनसे यह शपथ चाहूंगा कि ये अभी उन्होंने शपथ भी लिया है कि हम समाज को जोड़ते हुए, किसी भेदभाव को भूलते हुए सब लोगों को मिलजुल करके एक अच्छे समाज की स्थापना और इस समाज में जो कमियां हैं उन कमियों को आगे भूल करके एक अच्छे समाज की स्थापना करना और यहाँ का जो समाज है वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, सबको जोड़ करके एक अच्छा कार्य करेंगे और एक अग्रवाल समाज की नींव जो है वो मजबूत करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के मुद्दे पर जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत के मेहमंत की अध्यक्षता में गोल्डन फॉर्च्यून होटल में किया गया। इसमें बाल संरक्षण को सशक्त करने हेतु मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गठित बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की भूमिका व कार्यदायित्व हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत जी ने बताया कि बच्चों से संबंधित जो समिति ब्लॉक स्तर पर गठित हुई हो उसको पूर्ण रूप से सक्रिय किया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन अधिकारी ने इस समिति में जो अपनी भूमिका को विस्तार से बताया। इसके बाद प्रशिक्षक नीरज जी के द्वारा बच्चा क्या है, बच्चों की सुरक्षा संरक्षण हेतु जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, ब्लॉक कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा बाल ग्राम बाल कल्याण योजना समिति के बारे में विस्तार से बताया गया। इसका गठन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन लोग पदाधिकारी होते हैं तथा उनके मुख्य कार्य कौन कौन से हुए इसके बारे में विस्तार से बताया गया। इसके बाद रोज संस्थान के मुख्य कार्यकारी श्री उस्ताक अहमद के द्वारा बच्चों के हित में कार्य कर रहे समिति के बारे में जानकारी दिया। इस कार्यक्रम में निरुपमा वर्मा बाल विकास परियोजना अधिकारी महेनगर, मनोज कुमार सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी जहानागंज, कृष्ण कुमार सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी तरवा, पंकज रमन श्रीवास्तव, अर्पित श्रीवास्तव, राजकुमार, मोहम्मद इरफान खान, संध्या सिंह, अब्दुल अमरदेव मुख्य तथा अवधेश आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के सिधारी थाना अंतर्गत हरबंसपुर पहलवान तिराहे से मिशन बस्तार रोड पर बीच मार्ग पर सोमवार को सुबह करीब 9 बजे एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। ई रिक्शा चालक और ई रिक्शा में बैठी 18 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया। रोड पर धड़ल्ले से चल रहे ई रिक्शा वाहन सुरक्षा पहलू पर खड़े नहीं उतरे रहे हैं। आए दिन सब इसको लेकर हादसे हो रहे हैं, इसके बाद भी चालक सचेत नहीं हो रहे हैं। ई रिक्शा वाहन की डिजाइन के अनुसार इसका संतुलन थोड़ी सी लापरवाही पर बिगड़ जाता है। ऐसा ही मामला हरबंसपुर तिराहे के पास भी सुबह सामने आया, जब सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में तेज गति से जा रहा ई रिक्शा अचानक पलट गया। खुद चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं इस पर बैठी छात्रा भी गंभीर रूप से जख्मी हुई। हादसे के बाद दौड़कर लोगों ने किसी प्रकार से दोनों को बचाया। बाद में पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। आज सुबह करीब एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक बच्ची घायल है और टेम्पो चालक घायल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो रिक्शा वाला बेचारा आ रहा था और संजोग से अब हम क्या बताएं, हम पहले भी कहे थे कि ई रिक्शा थोड़ा इतना पतला होता है कि डिसबैलेंस हो जाता है, अक्सर उलट जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब उसको घायल अवस्था में जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। अब उसके लिए देखा जाएगा, हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। एक बच्ची भी घायल हुई है, इसलिए इस मामले को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। कैसे घटना हुई इसकी जाँच जो है हम अपने जो हमारे यूनियन के कोषाध्यक्ष हैं वीरेंद्र यादव जी में लगाए हैं। अब वो जाँच करेंगे, देख करके कैसे क्या है, किस प्रकार से कैसे क्या हुआ है और जैसा हो सकता है उसकी मदद की जाएगी।